बी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीए का जो क्लास है रात में 8 बजे PM MWF में चल रहा है, सेमेस्टर वन का। सेमेस्टर वन का क्लास। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग बताएंगे, जो आपको सिलेबस में है वह है एक टॉपिक आपको जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इक्विटी, जिसे हम लोग कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। और इसे हम लोग गोसेन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो गोशियन फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम्स एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डेट कमोडिटी इवेंचुअली डिक्लाइन। है ना, जब हम किसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हैं, जब हम किसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटते चली जाती है। इस बात को सबसे पहले गोसेन साहब ने कहा था और इसको इंटरप्रेट करके जो रिप्रेजेंट के लोगों के सामने प्रोफेसर मार्शल साहब ने किया, तो इसी को हम लोग आज देखेंगे डिटेल्स में। और इसका हम लोग पहले शुरुआत में इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी देखेंगे। गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम, दोनों फिर डिफरेंस का है, और दोनों से डिमांड कर भी हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं, लिखते हैं, आप लिखना है लिख सकते हैं, मीनिंग्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ। लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम्स एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डैट कमोडिटी इवेंचुअली डिक्लाइन। हिंदी में लिखिए, उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को लगातार उपभोग करती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने चले जाती है। बेसिकली जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में किसी में भी, तो किस न कुछ सर्टेन एजम्पशन पर आधारित होता है। तो इसके पहले सबसे पहले लिखेंगे इसका एजम्पशंस क्या है, तो लिख सकते हैं इसके जब कुछ एजम्पशंस मैं आपको लिखा देता हूँ, बाकी नोट्स में डिटेल आपको दिया रहेगा। लिखिए, हेडिंग लिखो बाबू, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, सीमांत हिंदी में लिख लीजिए, जिसका हिंदी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हाँ लिखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। पहला लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर, लिखो सीधे सीधे लिखाते हैं, कंजम्पशन प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस। दूसरा लिखिए, उपभोग की प्रक्रिया लगातार होना चाहिए। दूसरा लिखिए, कंज्यूमर शुड बी रेशनल, उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए। तीसरा लिखिए, द गुड्स टू बी कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजिनस। उपभोग की जाने वाली वस्तुएं
उपभोग की जाने वाली वस्तुएं एक ही प्रकार का होना चाहिए, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं एक ही प्रकार का होना चाहिए। और नेक्स्ट लिखो, देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ, या देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंजप्शन। जब हम उपयोग करते हैं ना, जैसे पानी पीते, एक गिलास पानी, रोटी एक रोटी, है ना, तो देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, ना कि अब थोड़ा थोड़ा रोटी तोड़ के देंगे तब नहीं आना, लागू नहीं होगा, है ना। तो लिखिए, देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंजम्पशन, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, प्राइस ऑफ द गुड्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, प्राइस ऑफ द गुड्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। देर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, देर इज परफेक्ट कंपटीशन इन, देर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हर वस्तु का मूल्य इक्वल होता है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन एज यूजुअल, उपभोक्ता की आय स्थिर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक बातें हैं। अब देखिए, इसमें है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का वर्णन। तो कैसे करेंगे, देखिए हम बताते हैं। देखो, जैसे एक टेबल लिए, ऐसे जैसे यहां पे लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पे है MU, मान लीजिए जैसे कि रोटी खाते, पहला रोटी खाते हैं तो 10 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर आपका 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर -2 है। जब एजम्पशन लिख रहे उसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर, है ना, एजम्पशन में, चूँकि इसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं, बताए थे जब पहला क्लास में कि 1, 2, 3 क्या है, सब क्या है, कार्डिनल नंबर। तो जब हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला, बिकॉज यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो जैसे हम पहला रोटी खाएं तो चूँकि हमारी भूख की इंटेंसिटी ज़्यादा थी या प्यास की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, तो उसे हम लोग 10 नंबर, हमें 10 नंबर के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, बोलते ना मैक्सिमम कितना 10। उसके बाद वही रोटी है, वही थाली है, लेकिन दूसरा रोटी में चूँकि हमारी इंटेंसिटी अब जो भूख है या थ्रस्ट है वो कम जाती है, तो उसे 8 मिलेगा, फिर तीसरा में 6, इस तरह से घटते चला जाता है, जहाँ पे 0 है वो सेचुरेशन पॉइंट है, मतलब तो उसका पेट यहाँ पे भर गया, अब आगे खाएंगे तो नुकसान करेगा, मतलब उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्लियर है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट दैट इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम्स एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली, लगातार, देन उसका मार्जिनल क्या हो रहा है, लगातार घटते चला जा रहा है, देख रहे हैं, मार्जिनल क्या हो रहा है आपका, घटते चला जा रहा है, ठीक है। अब इसी में इसको टोटल निकाल सकते हैं, तो टोटल के लिए क्या होता है, देखो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू होता है समेशन ऑफ MU, तो 10 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर देखिए 28 हो गया, ठीक है। जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ बना सकते हैं, हम बता देते हैं ग्राफ बनाना, देखिए जैसे कि
एक इधर लीजिए और एक इधर लीजिए। हाँ, जैसे क्या है आपका 10 तक है ना मार्जिनल, तो लेते हैं 2 4 6 8 10। हाँ, 2 4 6 8 10 MU। यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पर दे देंगे -2। ठीक है, तो अभी जब इसको बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा? जैसे 1 है तो कितना है 10, 1 है तो देखिए 10 है, 1 है तो 10, 2 है तो 8, अब 2 है तो 8 है, फिर 3 है तो 6 है, 3 है तो 6 है, इस तरह से देख रहे हैं, 4 है तो 4 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 2 है, 2 है, 6 है तो 0 है, यहाँ 0 हो गया, फिर आपका -2 इधर हो गया। इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह बनेगा एक ग्राफ, इसका बन गया। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए है ग्राफ, यहाँ होगा बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो देखिए ए जो है ना, यहाँ से इसको हम लोग पॉजिटिव मार्जिनल इक्विलिटी कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको सेचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ कंज्यूमर पूरी से सेटिस्फाइड है। अब इसी का टोटल निकालना है, कैसे निकालें टोटल में कितना मैक्सिमम, तो यहाँ निकालते हैं 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 और 30। अब यदि इसको कीजिएगा ना, देखिए तो यहाँ जैसे 1 है, यहाँ लेते हैं इसी के सामने स्केल से बनाइएगा, 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 1, आप इसे ऐसे भी कर सकते, 1 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करना है, अब देखिए 1 है तो कितना है 10 है, 1 है तो 10 है, 2 है तो 18 है, 18 20 के नीचे होगा, 3 है तो 24 है, 4 है तो 28 है ना, उसके बाद पता नहीं चल रहा है, कलर चेंज कर रहे हैं, 28 है ना, उसके बाद देखिए 30 है, 30 है, फिर 30 है, इस तरह से। तो ग्राफ जो है बनाइएगा ना, तो ग्राफ इसके इस तरीके से आता है। यहाँ देखिए जो 6 है ना, 6 यही मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि जब एम यू 0 होता है टी यू मैक्सिमम होता है, इसको टी यू बोलते हैं, नाम दे सकते हैं आप चाहे तो, जैसे यहाँ दे दी ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब इसमें जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो देखिए जब हमारा एम यू घटता है लेकिन पॉजिटिव है तो टी यू क्या होगा, टी यू बढ़ेगा लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ेगा, डैट मीन्स व्हेन एम यू इज पॉजिटिव बट डिक्लाइन देन टी यू विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। अब देखिए जब एम यू 0 है तो टी यू मैक्सिमम है, एम यू 0 टी यू इज मैक्सिमम, और थर्ड में जब है व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव, एम यू बिकम्स नेगेटिव टी यू स्टार्ट टू डिक्लाइन, तो टी यू क्या करता है डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, इस तरह से रिलेशनशिप है, क्लियर है। तो आप जो है एक कंसेप्ट जो है आपका डाउट क्लासेस का था, बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है आप जिसको क्लास ज्वाइन करना है तो लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं बीए के लिए, और उसके लिए जो व्हाट्सएप है 9431065576 है, यह हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स, डाउनलोड कर सकते हैं, शाम में 8 बजे लाइव क्लास चलता है सेमेस्टर 1 का। धन्यवाद।